क्या बना रही हो? ब्रेड चॉप। हैं? हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अंदर ब्लॉग। दोस्तों स्वागत है और एक ब्लॉग पर। तो यहाँ पर चलते हैं ये चौका घर पर, कौन क्या कर रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर बहन कुछ बना रही है, देख सकते हैं। क्या बना रही हो? ब्रेड चॉप। हैं? ब्रेड चॉप। ब्रेड चॉप। तो यहाँ पर बहन ब्रेड चॉप बना रही है। ये क्या है? बेसन है। बेसन है? ये बेसन है? ये बेसन का पैकेट है। तो बेसन यहाँ पर है और यहाँ पर बेसन का, बेसन को घोल लिया है और यहाँ पर ब्रेड है। तो ब्रेड चॉप बनने वाला है। ये रिफाइंड तेल और ये क्या है? तो यहाँ पर अभी ब्रेड चॉप बनने वाला है। चोखा घर पे पूरा धुआं धुआं हो गया है। ये पाक घर है, मतलब कि किचन रूम है। तो यहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो गया है क्योंकि चूल्हा से आग जलने से क्या होता है, बहुत ही धुआं उठता है लकड़ी से। तो लकड़ी की वजह से पूरा धुआं धुआं ऊपर उठ रहा है, देख सकते हैं। ये लकड़ी निकाल दिया और यहाँ पर, और यहाँ पर बर्तन चढ़ाया हुआ है। अभी ये पर तेल डालेगा। तो यहाँ पर बहन ब्रेड पैकेट खोल रही है और खोलने के बाद में इसको हम लोग अभी बेसन पे भिगोएंगे। अभी फ़िलहाल इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं। और अभी इसको देखो, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेसन का गोला है उसको इसमें अभी डुबो लेंगे, देख सकते हैं। ये ब्रेड जो है इसको हम लोग भिगो के यहाँ पर इसको डुबो के उसके बाद में अभी यहाँ पर तेल पर छानेंगे। तो यहाँ पर तेल है तो तेल में दे दिए और इस ब्रेड को साइड में रखते हैं। और इसी तरह से एक एक करके हम लोग अभी बनाते जाएंगे, एक एक में पकाते जाएंगे। अभी इसको फ्राई करने देते हैं, जब तक लाल हो जाए तब तक इसको फ्राई करने देते हैं। थोड़ा धीमे आग रखते हैं इसको, जो आग इसको हम लोग धीमी रखते हैं और इसको फ्राई होने देते हैं अच्छा से। इसको जब लाल हो जाए तो हम इसको पलट देंगे। इसे ही नीचे तरफ, थोड़ा निचले भाग में अगर थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है तो हम लोग इसको पलट देंगे, देख सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा लाल हो चुका है, इसको हम लोग पलट दिए हैं। और अच्छा से इसको पकने देना है ताकि जो अंदर का जो ये है ब्रेड है, तो ब्रेड का अंदर तक तेल घुस जाए। और हम लोग इसको ऐसे ही चलाते रहना है ताकि तेल कम है तो इसीलिए इसे चला रहे हैं। अगर तेल ज़्यादा होगा तो ये पूरा डूब जाएगा तो अच्छा हो जाता है। अगर तेल कम है तो इसको ऐसे चलाने पड़ेगा, चलाते रहना है। और हम लोग के पास में एक पाव तेल था तो उसी से हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग इसको चलाते रहना है, देख सकते हैं। जैसे मैं चला रहा हूँ उसी तरह, मतलब सॉरी मैं नहीं, मेरा बहन जो चला रही है इसी तरह इसको चलाते रहना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड सेट रखा है इधर, और इसको तो अभी लाल हो चुका है, देख सकते हैं। इसका कलर पकड़ लिया, देख सकते हैं। जो आग है उसको धीमी धीमी देना है। तो यहाँ पर ब्रेड चॉप रेडी हो रहा है, बहन बना। तब तक मैं जाके मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आके खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं मुंह धो लिया और फ्रेश हो गया, ब्रश व्रश करके फ्रेश हो गया। चलो अंदर में जाते हैं। तो यहाँ पर बहन बैठी हुई है, टीवी देख रही है, और माँ भी बैठी हुई है। तो यहाँ बहन कुछ खा रही है, तो यहाँ पर चावल खा रही है, लग रहा है कि ब्रेड व्रेड खा लिया। तो ब्रेड कहाँ है बता? ब्रेड ब्रेड अंदर में, ठीक है अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर रखा हुआ है बोल रही है, तो अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर किचन रूम है, तो यहाँ पर ढका हुआ है। ये यहाँ ब्रेड है और चॉप, अच्छे से अभी खाएंगे। मुंह में पानी आ गया। तो दोस्तों तब तक मैं खा लेता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।